अब उस नाम की बारी इन सब नामों के बाद जिस पर आपको और मुझे इस देश को गर्व होना चाहिए, जिसकी नज़ीर दी जानी चाहिए, नाम नज़ीर अहमद वानी का। 25 नवंबर 2018 25 राष्ट्रीय राइफल्स को सूचना मिली जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके के गांव के एक मकान में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी पुख्ता थी। फौरन ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। फौज की पहली प्राथमिकता थी आतंकवादियों के भागने के संभावित रास्तों को बंद करना। ये जिम्मेदारी दी गई लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को। वानी इस तरह के ऑपरेशन के लिए अधिकारियों की पहली पसंद होते थे और इसकी दो वजहें थीं। पहली, वानी कभी खुद चरमपंथी थे, हथियार उठा चुके थे, लेकिन फिर वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे और साल 2004 में सेना में भर्ती हो गए, तो उनकी बैकग्राउंड उसके चलते हासिल तजुर्बा काम आता था। दूसरी वजह, वानी बेखौफ थे, आगे रहकर हमला करते थे, कई ऑपरेशन में उन्होंने रिजल्ट दिया था और इसीलिए उन्हें दो दो बार सेना मेडल से नवाजा जा चुका था। बहरहाल एक और ऑपरेशन और वानी एक बार फिर तैयार। उन्होंने अपनी टीम के साथ टारगेट हाउस के पास पोजीशन ले ली। आतंकवादी घिर चुके थे और उन्हें इस बात का पता चल चुका था। आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, हथगोले भी फेंके जाने लगे। मकसद, वानी और उनकी टीम का डाला गया जो घेरा था उसको तोड़कर बाहर निकल जाना। लेकिन वानी इस ट्रिक को समझते थे। उन्होंने भी अपने साथियों के साथ जोरदार फायरिंग की। करीब से गोलियां चल रही थीं। वानी ने एक दुर्दांत आतंकवादी को निशाना लगाकर ढेर कर दिया। अब वक्त आ चुका था टारगेट हाउस पर करीब से जाकर हमला करने का। हैवी फायरिंग के बीच वानी खुद जख्मी हो चुके थे, लेकिन वो टारगेट हाउस के करीब जाते रहे और फिर गोलियों की परवाह किए बिना हाउस के उस कमरे के करीब पहुंच गए जिसमें कई आतंकवादी छिपे थे और फायरिंग कर रहे थे। वानी ने इस कमरे में कई ग्रेनेड फेंके, धमाके हुए और दुश्मन ढेर। तभी वानी ने देखा कि एक विदेशी आतंकवादी दूसरे कमरे की खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा है। वानी ने उसको ललकारा और भिड़ गए दोनों गुत्थम गुत्था। और कुछ मिनटों के बाद जख्मी होने के बावजूद वानी ने उस आतंकवादी को मार डाला। वानी का एनकाउंटर का काउंट पहुंच चुका था 6 पर, फिर फुल स्टॉप लग गया हमेशा के लिए। लांस नायक नज़ीर अहमद वानी शहीद हो चुके थे। गोलियों का जख्म इतना गहरा कि वो बचाए नहीं जा सके और आज कृतज्ञ देश ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस आशय का आदेश जारी किया है। अशोक चक्र शांति के समय वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार जो मिला है जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके के अशमूजी गांव के रहने वाले वानी को। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं और ये पूरा देश भी तो सब फौजियों का परिवार होता है।